और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 11 महीने बाद दिल्ली के लिए राहत की खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर को कराया जा रहा है खाली। तो बता दें आपको बड़ी खबर, दिल्ली गाजियाबाद का रास्ता खोला जाएगा, बड़ी राहत। अब दिल्ली नोएडा आना जाना आसान हो जाएगा, दिल्ली के बॉर्डर से अब बैरिकेड हटाए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी राहत आम जनता के लिए। पिछले 11 महीनों से परेशान दिल्ली की ये जनता अब राहत की ओर बढ़ती हुई, क्योंकि टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर खाली कराया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जे हिंदुस्तान ने भी लगातार ये मुहिम चलाई, लगातार सवाल उठाए कि आखिरकार हमारा बॉर्डर कब खाली होगा। और अब देखिए उसका जवाब है, क्योंकि अब दिल्ली नोएडा जाना आसान होगा, क्योंकि दिल्ली के बॉर्डर से अब बैरिकेड हटाए जा रहे हैं, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो या टीकरी बॉर्डर। बिल्कुल, और देखिए जगह जगह से हमारे रिपोर्टर सुबह से ही मौजूद है। गाजीपुर बॉर्डर से हमारे सहयोगी रजनीश, साथ ही टीकरी बॉर्डर से हमारे सहयोगी हितेन, और ब्रेकिंग सेंटर से हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, क्या बड़ी खबर है आपके पास? देखिए बड़ी खबर इसी मामले से जुड़ी, जहां पर गाजीपुर बॉर्डर से बैरिकेडिंग हटाए जाने को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा अभी तो सिर्फ दिखावती बैरिकेड हटाए जा रहे हैं, जल्दी तीनों कृषि विरोधी कानून भी हटेंगे। राहुल गांधी ने यह लिखा है, अन्नदाता सत्याग्रह जिंदाबाद, राहुल गांधी ने इन बातों को कहा है। लेकिन याद करना होगा वो वक्त भी जब आंदोलन की शुरुआत हुई थी और जब ये कृषि कानून पास हुए थे, तब राहुल गांधी ने ये विरोध नहीं किया था। जैसे जैसे आंदोलन तूल पकड़ने लगा, राहुल गांधी के विरोध के सुर मुखर होने लगे, और अब जब रास्ते को खुलवाया जा रहा है, राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए अपनी मंशा को साफ जाहिर कर दिया कि मंशा जो है वो सिर्फ राजनीति की है, मंशा जो है वो इस बात की है कि अकेले सिर्फ किसानों का आंदोलन ये बना ना रह जाए, इसमें कांग्रेस की सहभागिता भी दिखे। और इसीलिए ट्वीट के जरिए राहुल गांधी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किस तरीके से इस आंदोलन में साथ हैं। लेकिन बड़ी बात ये है कि जी हिंदुस्तान ने लगातार इस बात को लेकर मुहिम चलाई कि रास्ते को खाली करवाया जाए, क्योंकि इससे परेशानी दिल्ली के लोगों को लगातार हो रही थी। गाजीपुर से हमारे सहयोगी रजनीश जुड़े हुए हैं और हितेन हमारे साथ टीकरी बॉर्डर से। पहले हितेन आप ही का रुख कर लेते हैं, क्योंकि आपने आंदोलन को बहुत शुरू से कवर किया, राजनीति को भी बहुत करीब से देखा। आज राहुल गांधी का ये ट्वीट, खासतौर पर उस मौके पर जब खुद सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर चुका है कि ये रास्ता रोका नहीं जा सकता है, आम लोगों के लिए इसे खोलना होगा, राहुल गांधी का ये ट्वीट क्या बताता है? देखिए, राहुल गांधी का ट्वीट एक ही मैसेज दे रहा है अनुराग, के उनके हाथ में जो अभी तीन राज्य बचे हुए, उसमें से एक राज्य में ठीक 4 महीने बाद चुनाव है, तो वो राज्य अपने हाथ से ना निकल जाए, पंजाब, इसीलिए कहीं ना कहीं वो इस तरह की राजनीति करते नजर आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो बैठे हैं अधिकतर आपको सिर्फ पग वाले दिखेंगे, तो पंजाब के ही लोग जो है यहाँ पर सिंगू के साथ साथ टीकरी पर भी जो है पंजाब के ही लोग जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं राहुल भली बात ही जानते हैं कि पंजाब में अगर कांग्रेस को फिर एक बार वोट चाहिए तो इस मुद्दे को कभी ख़त्म होने नहीं देना है। यही एक वजह रही है कि आंदोलन जब सरकार के साथ बातचीत के जरिए ख़त्म हो रहा था, लेकिन उस दौरान राजनेताओं ने देखा कि उनकी राजनीति की दुकान बंद हो रही है, तो कैसे कांग्रेस के अलग अलग नेता बॉर्डर पर जाकर हलवा बनाते, पूरी सब्जी बनाते दिखे थे, उसके बाद ही कहीं ना कहीं ये पूरी बातचीत फेल हुई और ये आंदोलन अब 11 महीने से लगातार चलता नजर आ रहा है। बिल्कुल हितेन, रहिए आप हमारे साथ। रजनीश, कहीं ना कहीं आज का जो ये कदम उठाया गया, जिस तरह से बॉर्डर खाली कराया जा रहा, मतलब साफ है जनता से बढ़कर कुछ भी नहीं, और जी हिंदुस्तान भी लगातार यही मुहिम चला रहा था और आज वो मुहिम लगभग पूरी होती हुई, क्या वहां पर नजारा है, कितनी देर में कंप्लीटली वहां पर फ्री होंगी चीजें? देखिए एक बार फिर से जो है बैरिकेड हटा दें कि जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है। मैं अपने वीजे जय से कहूँगा कि वो दिखाएं। आप देखिए एक बार फिर से जेसीबी मशीनें यहाँ पर पहुँची हैं और जो बैरिकेड हटाने की कवायद है वो शुरू हो गई। आप देखिए ये एक पट्टी जो है पक्की सीमेंटेड जो है वो बैरिकेड बनाई गई थी, अब इसको तोड़ा जाएगा, इसको तोड़ने के बाद आगे की बैरिकेडिंग उसको साफ करके रास्ता खोल दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस बैरिकेडिंग के हटाने के बाद भी पीछे टिकैत एंड गैंग के जो तंबू बंबू हैं वो गड़े हुए हैं, आखिर वो कब हटेंगे? हालांकि कहा यह गया था सुबह, कुछ जो लोग यहाँ पर पहुँचे थे उनका ये कहना था कि वो उनको हटा देंगे, लेकिन वो हटेगा कब? क्योंकि पुलिस ने तो अपना काम कर दिया, पुलिस के ऊपर जो आरोप लगाया था कि उनकी वजह से लोग जो है वो दुखी हो रहे हैं, उनकी वजह से जो हाईवे है वो बंद है, आज पुलिस ने भी अपना काम पूरा कर दिया कि आप बताइए हमारी वजह से कहाँ बंद है? इसी रोड पे कुछ दूर जाने के बाद टिकैत एंड गैंग के तंबू बंबू गड़े हुए हैं, अब उस पर क्या बयान जारी करेंगे, क्या कहेंगे और कितने दिनों में उस जो तंबू बंबू को हटाया जाएगा, ये अब देखने वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल रजनीश, और कुछ ऐसी हालत वहाँ टीकरी बॉर्डर पर भी है, क्योंकि आधा रास्ता जहां तक पुलिस की बैरिकेडिंग थी वो तो
साफ हो गया, लेकिन हितेन जो तंबू और बंबू वहां पर भी जो लगे हुए हैं उनको साफ कब तक किसान करेंगे या पुलिस प्रशासन क्या कदम उठाएगी, इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, उन्हें हटाना पुलिस का जिम्मा नहीं है, वो लगाने वाले कुछ कोई और है, वो आंदोलनकारी है, आंदोलनजीवी है, तो उन्हें हटाने की जिम्मेवारी भी इन आंदोलनजीवी आंदोलनकारियों की होगी। हालांकि अपने आप हट नहीं रहे, 11 महीने हो चुके हैं, तो मुझे लगता है कि अब एक महीना और हमें इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि 7 दिसंबर को जब सुप्रीम कोर्ट में फिर एक बार सुनवाई होगी, और पिछली सुनवाई में जिस तरीके से फटकार लगी उसके बाद कहीं ना कहीं अगर एक तरफ की सड़क खुलती नजर आ रही है, तो मुझे लगता है कि 7 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट कुछ आदेश भी दे सकता है इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि 7 दिसंबर जब सुनवाई होगी उस दिन इस आंदोलन को उस लगभग 1 साल पूरा हो चुका होगा, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी पूरे मामले को 1 साल से लगातार देख रहा है, गंभीरता से देख रहा है, तो निश्चित तौर पर अब उम्मीद की जा रही है, सरकार की नज़रें भी जो है सुप्रीम कोर्ट पर है, कि सरकार ने तो समझाने की कोशिश की लेकिन ये उसके बाद भी नहीं उठे। सुप्रीम कोर्ट ने हर बार सुनवाई में कहा कि आप किस कानून का विरोध कर रहे जो वास्तविकता में है ही नहीं, क्योंकि लागू ही नहीं होने दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो आप सड़क क्यों जाम कर रखे हैं, उसके बाद भी ये नहीं माने, तो निश्चित तौर पर अब सबकी निगाहें जो है उच्च सर्वोच्च न्यायालय पर है कि वो एक सख्ती वाला आदेश दे दे इतनी फटकार के बाद, और वो सख्ती वाले आदेश के बाद जो है ये सड़कें जो 11 महीनों से हमें बंद पड़ी हुई दिख रही है वो सड़कें आसानी से खुलती नजर आएगी। रजनीश, क्योंकि आप बता रहे थे कि वहां से कुछ दूरी पर ही कुछ टेंट लगे हुए हैं अभी भी, राकेश टिकैत के ग्रुप के जो टेंट है वो लगे हुए हैं, तो अगर रास्ता खुल भी जाता है, और जैसा कि हम बार बार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि ये कल से फ्रीली आवाजाही यहाँ पर इस रास्ते पर शुरू हो जाएगी, वो टेंट लगे रहेंगे, तो क्या किसी तरह की कोई अड़चन हो सकती है, क्या क्या स्थिति होगी अगर बैरिकेड्स हटा देने के बाद बात करें तो? देखिए, अगर इन बैरिकेडों को हटा भी दिया गया तो जो है वो आंदोलनजीवी या ये कहा जाए वो फर्जी किसान लोगों की आवाजाही में एक रुकावट बने रहेंगे। हालांकि कहा यह गया है कि उनको भी उस टेंट और जो या तंबू और बंबू को भी हटा दिया जाएगा। रजनीश, राकेश टिकैत फिर तो ये लोग एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि ये लोग बैरिकेड्स पर ये लिख रहे थे कि ये बैरिकेड्स तो सरकार ने लगाए, प्रशासन ने लगाए, लेकिन अब जब बैरिकेड्स हट गए उसके बावजूद वो डटे रहेंगे तो एक्सपोज हो जाएंगे। देखिए अनुराग, ये एक्सपोज नहीं होंगे, क्योंकि एक्सपोज तो बहुत पहले ही हो चुके थे, अब इन लोगों के सिर्फ कपड़े उतरने बाकी है, वो कपड़े उतर जाएंगे अगर वो तंबू और बंबू नहीं हटे। खासतौर राकेश टिकैत उस तंबू बंबू गड़वाने में खुद वहां मौजूद थे कि गाड़िए मैं हूं यहां पर, कोई दिक्कत नहीं है, आप गाड़िए और रहिए। अब क्या उस तंबू और बंबू को हटवाने के लिए, उसे उखाड़ने के लिए भी राकेश टिकैत वहां मौजूद रहेंगे? मुझे लगता है वो नहीं रहेंगे, क्योंकि सुबह जैसे ही दिल्ली पुलिस की कवायद यहां पर शुरू हुई थी उसके तुरंत बाद राकेश टिकैत यहां से चले गए। बताया जा रहा था कि वो हरियाणा की तरफ कहीं गए हैं, अब हरियाणा में वो क्या मीटिंग जो है करने गए हैं या किसानों को भड़काने गए हैं ये नहीं पता, लेकिन वो यहां पर नहीं है। हालांकि अब वो तंबू और बंबू, ये DCP जिस तरीके से बता रही थी कि ये शाम तक ये खाली हो जाएगा, ये साफ हो जाएगा, लेकिन वो तंबू बंबू हटवाने की जिम्मेदारी पुलिस की नहीं है, वो कौन हटवाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल बड़े सवाल है रजनीश, बने रहिए हितेन। देखिए, जिस तरह की बातें कही जा रही है, और ये पूरा मामला अगर आप देखें शुरुआत से, हितेन वहां पर मौजूद है, हिंदुस्तान की पूरी टीम, हमने पूरा देखा है कि किस तरीके से सत्याग्रह के नाम पर शुरू हुई तमाम चीजें, लेकिन उसके बाद कैसे कैसे स्थितियां बदली हैं। आज जब ये सिचुएशन क्रिएट हुई है, तो क्या हितेन आपने कुछ ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने विरोध किया हो बैरिकेडिंग हटाने का, या फिर पुलिस का, प्रशासन का? नहीं, अभी देखिए यहाँ पर जितने भी लोग पहुँचे थे, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा दूँ ये तस्वीर, हालांकि अभी तो पब्लिक को भी पुलिस ने आने से रोक दिया है, लेकिन सुबह से अब तक जितने लोग यहाँ पहुँचे थे वो या तो यहाँ पर पुलिस का धन्यवाद करने पहुँचे थे या सरकार का धन्यवाद करने पहुँचे थे, क्योंकि कई लोगों की दुकानें हैं जो 11 महीनों से बंद पड़ी है, कई लोगों का रोज़गार जो है वो छीन चुका है, तो कुछ ऐसे लोग भी देखने आए थे कि क्या अब उनकी दुकानें खुल पाएगी नहीं खुल पाएगी, क्योंकि एक तरफ का रास्ता खुला है तो सीधे तौर पर उन्हें उम्मीद जग गई कि वो अब फिर से अपने धंधे पर वापस लौट सकते हैं, लेकिन वहाँ आप देख सकते कि अभी भी बैरिकेड लगा हुआ है उस तरफ, क्योंकि वहाँ पर मेन मंच है आंदोलन का, और उस साइड का हिस्सा जो है अभी भी पुलिस ने बंद कर रखा है, एक तरफ का हिस्सा खोल रखा है। अब ये जो सबसे आगे वाला जो आखिरी बैरिकेड है वो इसलिए नहीं खोल रखा है क्योंकि आप
ठीक देखेंगे 10 मीटर की दूरी पे मंच लगा हुआ है टिकरी बॉर्डर का मुख्य मंच और वहाँ पर अभी भी ये आंदोलनकारी बैठे हुए हैं। तो भरोसा पुलिस को नहीं है कि अगर ये हटा दे उसके बाद पता नहीं ये क्या कर दे और कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो सीधे तौर पे पुलिस को फटकार भी जो है लग सकती है। इसलिए पुलिस अब एक अपनी रणनीति बना रही है, सोच विचार कर रही है, गाजीपुर के हालात पर नज़र रखी हुई है कि अगर गाजीपुर में अगर सब शांति शांत वाला माहौल रहता है तो फिर इसको भी हटाने का जो है विचार यानी सेन यहाँ चाहे टिकरी बॉर्डर की बात कर ले या गाजीपुर बॉर्डर की बात कर ले, दोनों ही जगह पर जो इस वक्त स्थिति है वो एक जैसी नजर आ रही है। पुलिस ने अपनी बैरिकेडिंग तो हटा दी लेकिन जो अब किसानों का जहां जमावड़ा जो तंबू के लगे हुए थे अब उनको कौन हटाएगा, ये बड़ी समस्या यानी आम जनता के लिए अभी भी समस्या बनी रहेगी। आपसे रजनीश सवाल। जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि आखिर लोगों के दिक्कतों का निवारण कौन करेगा, कोर्ट लगातार फटकार लगा रहा है, पुलिस अपना काम कर रही है, तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि राकेश टिकैत अपनी जिद अपनी अकड़ और अपनी अपने अहम में डूबे हुए हैं कि उन्हें किसी की कोई परवाह नहीं है। आम जनता की वो बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, कोर्ट की बात करते हैं, लेकिन वो बात सिर्फ बातों में रह जाती है, उस पर गौर और अमल नहीं किया जाता। हालांकि पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि आम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कतें ना हो, इसके लिए तमाम जो उपाय कानून व्यवस्था काम कर रही है। और आप देखिए कि आज एक बार फिर ये जेसीबी मशीन को यहाँ पर लाया गया है, आपके पास आ रहे हैं और अब इसका भी रुख करेंगे और टिकरी बॉर्डर की भी स्थितियों को जानने की कोशिश करेंगे। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की नई धमकी सामने आ चुकी है, हम अपना तामझाम लेकर दिल्ली जाएंगे। राकेश टिकैत ये बात कह रहे हैं, जब इस तरह की कार्रवाइयां होती है राकेश टिकैत कुछ अपना शगुफा इसी तरीके से छोड़ते हैं और एक बार फिर से उन्होंने ये धमकी दी है कि अपना तामझाम लेकर हम दिल्ली जाएंगे। उन्होंने कहा कि अपनी फसल बेचने हम संसद जाएंगे। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। दीवार हटा रहे, जो उन्होंने दीवार चीनी थी वो हटा रहे और रास्ते खुलेंगे, भाई हम भी अपनी फसल बेचने पार्लियामेंट पर जाएंगे, रास्ते खुलेंगे तो जाएंगे हम भी और संयुक्त मोर्चा क्या फैसला करेगा उस पर करेंगे, रास्ते तो खुलने ही चाह, हम भी तो 11 महीने से बैठे के हमें दिल्ली जाना था नहीं जाने दिया, फसल बेचेंगे अपनी, हमारे ट्रैक्टर जाएंगे पहले दिल्ली ट्रैक्टर जाएंगे। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा, प्रायोजक आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना सिरप, पचमीना पाचन एक्सपर्ट। तो टेकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार आप देख रहे हैं किस तरह से बैरिकेटिंग को हटाने की प्रक्रिया यहां पर प्रशासन की तरफ से तो कर दी गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जो उस रास्ते में किसानों के जो टेंट वहां पर हैं अब उन्हें कौन हटाएगा, क्या वाकई लोगों को राहत मिलेगी सिर्फ बैरिकेटिंग हटाने से। रजनीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रजनीश, अब कहां कब जाए, क्या दिल्ली और जो गाजियाबाद की जनता है जिसके लिए राहत सुबह दिख रही थी कि बैरिकेटिंग हट रहे हैं, लेकिन अब उन तंबू को कौन उखाड़ेगा, कैसे उनके लिए रास्ता साफ होगा। देखिए, तंबू और बम्बू कैसे हटेगा ये तो है बाद की बात होगी, ये कैसे हटेगा इस पे जो है मंथन खुद राकेश टिकैत को करना होगा, लेकिन अब आप देखिए कि जो पक्की सीमेंटेड जो लेयर थी आखिरी तीसरी लेयर थी उसको भी तोड़ दिया गया है और जिस तरीके से इस लेयर को तोड़ा जा रहा है यही इसी तरीके से राकेश टिकैत के अभिमान, राकेश टिकैत के अहम और फर्जी किसानों का जो आतंक उन्होंने मचाया हुआ है फर्जी किसानों का, कानून इसी तरीके से उनके अहम को तोड़ेगा। आप देखिए अब जो है वो लगातार जो है वो कोशिशें की जा रही हैं, आखिरी जो लेयर जो परमानेंट जो पक्की लेयर बनाई गई थी उसको हटाया जा रहा है, आप देखिए तोड़ी जा रही है लेयर और यही ये लेयर गवाह है कि इसी तरीके से कानून अपना काम करेगा, फर्जी किसानों का अहम तोड़े जाएंगे, राकेश टिकैत की जो घमंड है, राकेश टिकैत का जो अहम है वो इसी तरीके से तोड़ा जाएगा जिस तरीके से जेसीबी मशीन इस समय इस पक्की सीमेंटेड को तोड़ रही है। अब से कुछ देर के बाद
कयास लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके से काम फिर से शुरू हो गया है उसके बाद ये कयास लगाए जाएंगे कि करीब अब कुछ ही समय बाकी शेष रह गया है ये पूरी जो बैरिकेटिंग साफ होने को लेकर। वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये आखिरी लेयर है जो पक्की लेयर है, इसके बाद जो है वो सीमेंटेड जो है वो मूवेबल बैरिकेड है, उसके बाद लोहे के बैरिकेड है। उनको हटाने में ज़्यादा देर दिल्ली पुलिस को नहीं लगेगी, सिर्फ इसी बैरिकेड को जो पक्का जो बैरिकेड बनाया हुआ था इसको हटाने में देर लगी है। अब इसको हटाने की कवायद अब शुरू हो चुकी है, तो ये कयास लगाया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से अपना काम बखूबी कर दिया गया है। कुछ एक से दो घंटे के अंदर ये पूरी बैरिकेडिंग यहाँ से साफ हो जाएगी, लेकिन फिर देखने वाली बात होगी कि आखिर राकेश टिकैत के जो तंबू और बंबू गड़े हुए हैं वो राकेश टिकैत कब हटवाएंगे। बिल्कुल रजनीश, और कहीं ना कहीं अब निश्चित तौर पर देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। और बड़ी बात यह भी क्योंकि ये राकेश टिकैत के अभिमान पर चोट है, जैसा आप भी कह रहे थे क्योंकि लगातार यहां पर वो कब्जा जमाए बैठे थे, लगातार आम जनता त्रस्त हो रही थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं राहत की सांस तमाम जनता ने लिया होगा रजनीश। और अब देखना यह होगा कि पुलिस प्रशासन इसके बाद भी वहां पर शांति कैसे बना के रखेगी, यह भी बड़ा चैलेंज होगा। देखिए राकेश टिकैत जो है वो किस तरीके के इंसान है वो आप लोगों ने भी देखा, हमने भी देखा, पूरे भारत ने देखा किस तरीके से 26 जनवरी को लिखित आश्वासन दिल्ली पुलिस को दिया कि हम लोग जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से एक जो रूट उनको दिया गया था उसी रूट पर चलेंगे। लेकिन जैसे ही 26 जनवरी को रूट के लिए उनको परमिशन दी गई दिल्ली आने की, उन्होंने कितना आतंक मचाया। अब इस ये आतंक दोबारा से ना मचे इसके लिए दिल्ली पुलिस ने कमर कस ली है, पैरामिलिट्री फोर्स चाहे वो BSF हो, CRP हो, और दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं और लगातार जो है वो कोशिशें की जा रही है कि इसको हटाया जाए, लेकिन हटाने के बाद लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। मेरी खुद DCP इस प्रियंका कश्यप से मेरी बात है, तो उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं, हमें पूरी तैयारियाँ करनी है, सारे जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए तमाम इंतजाम हम कर चुके हैं। अगर राकेश टिकैत या यहाँ के जो किसान प्रथागत किसान है वो लॉ एंड ऑर्डर तोड़कर दिल्ली में घुसने की कोशिश करते हैं तो जाहिर तौर पर उनसे सख्ती से निपटा जाएगा, FIR की जाएंगी और उनके साथ जो है वो लगातार बातचीत भी दिल्ली पुलिस कर रही है, जिस तरीके से पिछले दिनों से करती आ रही थी कि आप लोग इस तरीके के काम ना करें ताकि आम लोगों को परेशानी हो। खुद दीपेंद्र पाठक ने मुझसे कहा कि हम लोग लगातार उससे जो किसान नेता है उनसे बात कर रहे हैं, पहले भी बात की थी, कल भी बात की थी, आज भी हम बात करेंगे कि आप लोग शांति बनाए रखिएगा और जो आने जाने वाले लोग हैं उनको दिक्कतें ना हो इसके चलते आप भी सहयोग करिए। अब वो सहयोग राकेश टिकैत की तरफ से किया जाता है या नहीं किया जाता, क्या कहकर वो मुकर जाएंगे, ये अब देखने वाली बात होगी क्योंकि बॉल पूरी तरीके से राकेश टिकैत के पाले में जा चुकी है। बिल्कुल देखना होगा कि अब कैसे, लेकिन यहाँ तो रजनीश अब तो राकेश टिकैत कह रहे हैं कि यहाँ से तामझाम उठाने की बात आई तो हम तो दिल्ली चल देंगे। देखिए राकेश टिकैत की क्या कहते हैं वो मुझे आज तक समझ नहीं आया कि वो आखिर कहते क्या है, जो कहते हैं वो करते नहीं है, जो करते हैं वो कहते नहीं है, जो दिखाते हैं वो दिखता नहीं है और जो नहीं दिखता उसे दिखाने की कोशिश करते हैं। यही बात उन्होंने आज कही कि हम लोग जो है वो सामान लेके जो है दिल्ली में जाएंगे। अरे भैया दिल्ली क्या ऐसे ही आप चले जाएंगे क्या आप सारे पूरे रास्ते में आतंक मचाते हुए दिल्ली चले जाएंगे क्या हम लोगों को दिक्कतें पैदा करेंगे क्या आप, या पार्लियामेंट जाके वहां पे हो हंगामा आएंगे। रजनीश आपके पास हमारे सहयोगी हितेन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हितेन देखिए अब सवाल यही है कि आखिरकार राकेश टिकैत का अगला कदम क्या होगा, सरकार उसके लिए कितना तैयार है, क्योंकि देखिए अब प्रशासन की तरफ से तो कदम लेकर जो रास्ते थे वो खाली करवा दिए गए, लेकिन अब आगे क्या, क्योंकि बातचीत तो हुई नहीं है सरकार और किसानों के बीच में जो अपने आप को कह रहे हैं। देखिए सरकार ने तो अपनी तरफ से आखिरी मीटिंग में ही कह दिया था कि ये सबसे बेस्ट ऑफर है जो सरकार दे रही है, उसके बाद सरकार इससे अधिक कुछ नहीं कर सकती। अब इन्हें सोचना है, तो उसके बाद जो इतने महीने बीत गए हैं तो इन्हें सोचना है कि हमें अब सरकार से बातचीत कब करनी है, क्या सरकार से बातचीत करनी भी है नहीं करनी है, क्योंकि सरकार ने तो बोल दिया था कि 2 साल के लिए कानून को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है, हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल और कर सकते, 3 साल के लिए हम रोक लगा देते, कोई कानून रहेगा नहीं, आप आइए और बातचीत करिए, कमेटी के जरिए इस पूरे मसले का हल किया जाए। लेकिन वो इन्हें मंजूर नहीं है, मंजूर इसलिए नहीं है क्योंकि इन्हें राजनीति करनी है। जितने भी नेता है जो आज 11 महीनों से यहाँ पर बैठे हुए किसान नेता बनके, वो सब अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग हैं, और राकेश टिकैत का खुद का इतिहास रहा है, 2 बार चुनाव हार चुके हैं, आनंद मोल्ला लेफ्ट से है, दर्शन पाल लेफ्ट से है, योगेंद्र यादव का इतिहास बहुत पुराना है, आम आदमी पार्टी से शुरू होकर खुद की पार्टी डाली, वो नहीं चला तो अब संगठन जो है वो किसानों के नाम पे चलाने के लिए निकले हुए, तो सब कोई ना कोई अपनी 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 तरफ से जो है अपनी अपनी खोई हुई जमीन ने तलाश रहे, इसीलिए ये आंदोलन का अंत जो है वो आ नहीं पा रहा है।
बिल्कुल, तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर बैरिकेडिंग हटाने का काम जोर शोर से, चाहे टीकरी बॉर्डर हो चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, यहाँ पर पुलिस प्रशासन की तरफ से चलाया जा रहा है। तस्वीरें आप सीधे तौर पर देख रहे हैं और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर से भी और टीकरी बॉर्डर से भी। इस बीच ये कह सकते हैं एक बार फिर से कांग्रेस क्योंकि मैदान में कूद पड़ी है, अब यहां पर बैरिकेटिंग हट रहे हैं तो इस पर भी राहुल गांधी तंज कस रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बैरिकेटिंग अभी हटी है, कृषि कानून जो कृषि विरोधी कानून है वो भी जल्द हटेंगे। तो इस तरह से तंज कसते हुए यहां कांग्रेस एक बार फिर कृषि आंदोलन का मुद्दा कैच करने की कोशिश में। और चलिए इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 11 महीने बाद दिल्ली के लिए राहत की खबर है, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर को कराया जा रहा है खाली। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली गाजियाबाद का रास्ता खोला जाएगा, दिल्ली के बॉर्डर खोल रही है दिल्ली की पुलिस, दिल्ली नोएडा आना जाना अब आसान हो जाएगा इन बॉर्डर्स के खाली होने के बाद। ये बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। बॉर्डर से कील कांटे सब दूर हुए, बॉर्डर से बैरिकेड्स भी हट गए, ग्यारह महीने से बंद रास्ते खुल गए। दिल्ली के बॉर्डर पर जिन हाईवे को आंदोलन जीवियों ने 11 महीनों से बंद कर रखा था, जिन रास्तों पर अयाज जीवियों ने कब्जा जमा रखा था, वो रास्ते अब खुल रहे हैं। जिन बंद रास्तों के चलते आम लोग भारी मुसीबतों का सामना कर रहे थे, वो रास्ते अब आजादी की सांस ले रहे हैं। जिन बंद रास्तों के चलते लोगों का रोजी रोजगार चौपट हो रहा था, उन रास्तों से कील कांटे सब हटाए जा रहे हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि ये हाईवे है और इस हाईवे में आना जाना शुरू हो। बहरहाल जो प्रोटेस्टिंग फार्मर्स हैं उनसे हम लोग संपर्क में भी हैं, उनसे हमने पहले रिक्वेस्ट भी किया है और आगे भी उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोग अपनी पहल के तहत जो यहाँ ब्लॉकेट लगाया हुआ है इसको हम रिमूव कर देंगे, इसको हटा देंगे। तीन कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन के चलते टीकरी बॉर्डर के पास दिल्ली को हरियाणा से जोड़ने वाला रास्ता बंद था, वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर जमे आंदोलन जीवियों के चलते दिल्ली गाजियाबाद और नोएडा जाने वाला रास्ता भी बंद था। इन दोनों रास्तों को लंबे समय से खोलने की मांग हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट तक में मामला पहुंचा जिसके बाद अब जाकर ये रास्ते खुले हैं। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि ये रास्ते किसानों ने नहीं बंद किए थे, पुलिस ने बंद किए थे, अब किसान दिल्ली कूच करेगा। वो दीवार हटा रहे, जो उन्होंने दीवार छीनी थी वो हटा रहे और रास्ते खुलेंगे। भाई हम भी अपनी फसल बेचने पार्लियामेंट पर जाएंगे, रास्ते खुलेंगे तो जाएंगे हम भी, और संयुक्त मोर्चा क्या फैसला करेगा उस पर करेंगे। रास्ते तो खुलने ही चाह, हम भी तो 11 महीने से बैठे के हमें दिल्ली जाना था, नहीं जाने दिया, फसल बेचेंगे अपनी, हमारे ट्रैक्टर जाएंगे पहले दिल्ली, ट्रैक्टर जाएंगे। तीन नए कृषि कानूनों के विरोध में नवंबर 2020 से दिल्ली की सीमाओं पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली की सीमा से सटे हरियाणा के सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर भी हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी जमे हैं। किसानों को बॉर्डर पर तब रोका गया था जब वो दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे, उसके बाद किसानों ने आगे बढ़ने की बजाय बॉर्डर पर ही डेरा जमा लिया। दिल्ली पुलिस ने भी किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए भारी तामझाम खड़ा कर दिया था। अब यही तामझाम हट रहा है तो सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे में किसानों ने अगर दिल्ली की ओर कूच किया तो क्या होगा। सर बताया जा रहा है, जैसे किसान कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस जैसी बैरिकेटिंग हटाएगी हम दिल्ली की तरफ, जैसे हमारी मांग है उनको लेके हम आगे बढ़ेंगे, उसके लिए क्या नहीं, वो जो हमारा पेशेवर तरीका है कि जब कभी भी अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो उस हिसाब से हम हैंडल करेंगे। आंदोलन जीवियों के प्रदर्शन के चलते बंद रास्तों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सर्वोच्च अदालत के दखल के बाद हरियाणा सरकार ने पिछले महीने ही एक हाई पावर कमेटी गठित की जिससे आंदोलन जीवियों से बातचीत कर बंद रास्तों को खोला जा सके। कई दौर की वार्ता के बाद अब इन रास्तों को खोलने के लिए किसान राजी हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए इसी खबर पर लगातार हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख करते हैं। रजनीश, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में लगातार जी हिंदुस्तान ने एक मुहिम चलाई थी और लगातार आज वो दिन आ गया है, किस तरह की स्थिति वहां पर आप देख रहे हैं क्योंकि सुबह से मौजूद है, किस तरह के बदलाव अब तक? देखिए, जी हिंदुस्तान ने पिछले 11 महीनों से जो मुहिम चलाई थी
उसका अब असर दिखना शुरू हो चुका है, यानी उसका जो परिणाम है, जो जिस कोशिश में जी हिंदुस्तान लगा हुआ था, उस कोशिश का अब जो है वो परिणाम मिलना शुरू हो चुका है। इस समय गाजीपुर बॉर्डर पे किस तरीके की हालत है आप देखिए, जो पक्की सीमेंटेड जो बैरिकेड थी उसे तोड़ दिया गया है और अब उस सीमेंटेड वाले मलबे को हटाया जा रहा है। इसके लिए जेसीबी मशीन यहाँ पर पहुँची है और उसके बाद आप समझिए जैसे ही ये मलबा हटता है, आखिरी लेयर जो येलो कलर की, जो पीले कलर की बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं, उसको भी हटा दिया जाएगा। हालांकि किसानों ने यह कहा है कि बैरिकेड हटने के बाद वो पार्लियामेंट जाएंगे, अपनी फसल बेचेंगे, लेकिन दिल्ली में किसी तरीके का उत्पात ना हो इसके लिए तमाम इंतजाम दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से कर लिए गए हैं। ITBP के जवान, CRP के जवान, BSF के जवान, तमाम जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया ताकि बैरिकेडिंग हटने के बाद ये लोगों को यहाँ पर तैनात किया जाएगा ताकि किसी भी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े। हालांकि राकेश टिकैत पे ये ठप्पा, ये मोहर, मैं कहता हूँ ये मोहर लग चुकी है कि वो जो कहते हैं उसको जरूर तोड़ते हैं, उसको तोड़ा ही जाएगा। यानी राकेश टिकैत ये कहते हैं कि हम शांति बनाए रखेंगे, वो नहीं रखेंगे। हालांकि उन्होंने आज अपनी बात को ही जो सच साबित अपनी बातों को ही सच साबित कर दिया कि उन्होंने कहा कि हम लोग पार्लियामेंट जाएंगे, तो वो पार्लियामेंट जाएंगे और वहाँ पर उत्पात मचाएंगे, लोगों को परेशान करेंगे, और यही जो सरकार नहीं चाहती थी कि आप लोगों की वजह से आम लोगों को दिक्कतें हो। और राकेश टिकैत इस जीत पर हैं कि नहीं, आम लोगों को दिक्कत हो, इसीलिए सरकार को ब्लैकमेल करवाया जा सके।